अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाच का रेसिपी। तो आज हम अपने रेसिपी में बनाने जा रहे हैं इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता, जो कि बहुत ही इजी और झटपट सा बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हम एक पतीला चढ़ाते हैं पानी, जिसमें हम बॉईल करेंगे पास्ता को। तो हमने चढ़ा दिया है, अब इसे कवर करके हम इसका एक बॉईल आने तक वेट करेंगे, जब तक ये बॉईल आता है। हमारे पानी में बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, दो छोटा चम्मच ऑयल या घी, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसे डाल सकते हैं। मेरे पास घी अवेलेबल है, तो हमने इसमें घी डाला है। अब मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ। पास्ता के पानी में हम ऑयल या फिर घी इसलिए डालते हैं ताकि वो आपस में चिपके ना। अगर वो चिपक जाएंगे तो फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। और ऑयल डालने से क्या होता है कि वो एक दूसरे से चिपकते नहीं और पास्ता खिले बनते। तो अब हम इसे कवर करके 5 मिनट तक बॉईल आने तक पका लेंगे। तो हमारा 5 मिनट हो चुका है, तो देख सकते हैं कि पास्ता अपने साइज से डबल हो चुका है, तो ये बिल्कुल पक चुका है। तो अब हम इसके पानी को छान लेंगे। तो इसे हटा के अब हम गैस को ऑन करके और एक फ्राई पैन लेते हैं, आपके पास जो हो वो आप लें। और फ्राई पैन लेने के बाद अब हम इसमें 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। मैं घी डाल रही हूँ, आपके पास जो हो वो आप डालें। घी डालने के बाद ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो फिर हम इसमें एक छोटा बारीक कटा हुआ लहसुन और 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ हम इसमें डाल रहे हैं। हमें इसे भूनना नहीं है, बस 1 मिनट तक इसे हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद हम इसमें एक बड़ा मीडियम साइज़ का हमने इसमें ऑनियन डाला है, जो कि हल्का, इसे हमें शॉर्टे करना है, इसे पकाना नहीं है, बस इसका हल्का कलर ब्राउन हो जाए बस उतना तक हमें पकाना है। हमने इसमें 2 छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर डाला है, उसे भी हमें मिक्स करके पका लेना। आप देख सकते हैं टमाटर डालने के बाद कितना खूबसूरत दिख रहा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, यम्मी सा लग रहा है देखने में। तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे 1-2 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद। तो हम इसमें देंगे आधा छोटी चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी देंगे, आधा छोटी चम्मच हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर देंगे। चिल्ली कम पाउडर कम ही दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाला है। और 1 बड़ा भर के चम्मच हम इसमें पास्ता मसाला डालेंगे। अब इन सबको हमें अच्छे तरीके से भूनना है और 1-2 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1-2 मिनट के बाद कैसा उसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा स्टिकी से थोड़ा पानी टाइप में हो गया है। के बाद हम एक थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हमारे पास्ते में भी नमक है, तो इसमें हम कम नमक डालेंगे तो बैलेंस हो जाएगा वो। तो इसे भी 1-2 मिनट तक हमें भूनना है नमक डाल के, ताकि वो अच्छे से टेंडर हो जाए, पक जाए। अब हम क्या करेंगे, अगर आपका फ्राई पैन बड़ा है तो आप मेरे तरह साइड कर लें और दूसरे साइड में हम इसमें अंडा डाल रहे हैं। और अगर आपका फ्राई पैन छोटा है तो आप क्या करें, एक दूसरा पैन लें और उसमें आप अच्छे से उसको अंडे को फ्राई करके फिर इसमें मिक्स कर सकते हैं। या फिर आप अंडा नहीं भी डालें तो भी कोई बात नहीं, वो मसाला से भी आपका बन सकता है। तो हमने एक साइड में मसाले को अलग करके और अंडा को दूसरी तरफ पका के दोनों को फ्राई कर लिया अच्छे से। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से मसाला और अंडा जो है दोनों मिक्स होके कितना खूबसूरत दिख रहा है और यम्मी सा लग रहा है। अब हम इसमें पास्ता मिक्स कर रहे हैं। पास्ता को हम अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, जो कि अच्छे से इसमें पास्ता के अंदर मसाला चला जाए। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इसमें कुछ भी वक्त नहीं लगता ज़्यादा, ये आप तुरंत झटपट सा बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जो कि बच्चों को अक्सर बहुत पसंद होता है ये सब खाने में। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो हम इसे प्लेट में निकालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा धनिया से इसे गार्निशिंग कर दिया है और बस ये रेडी है खाने के लिए। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।